सवाल है वैल्यू ऑफ, यहाँ लिमिट 2 है, यहाँ 0 है, 4 e की पावर 2 t dt। सो प्यारे बच्चों, पहले तो हम जब इसको ले लेंगे लिमिट्स, इसके इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो 4 वैसे ही रहेगा, e की पावर 2t वैसे रहेगा, 2t के डेरिवेटिव 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 अपॉन 2 2 होता है, 2 को बाहर निकाल लो। अब देखो पहले अपन लिमिट t की जगह पुट करो, 2 2 सा 4, फिर 0 पुट करो, e की पावर 0, e की पावर 4 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। फिर साइन 75 पूछ रहे हैं, भाई ये तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। साइन 75 जो कॉस 15 के बराबर होता है, डेसिमल में इतना होता है, फ्रैक्शन में इतना होता है। अब आप बोलो सर इस फॉर्म में ऑप्शन ही नहीं है, अरे है ना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो रूट टू से, तो नीचे तो 4 हो जाएगा, ऊपर यहाँ जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रिज़ल्ट आ जाएगा हमारा। बेसिकली इसका असल आंसर होना क्या चाहिए, ये भी थोड़ी सी इन्होंने रूट 6 प्लस 1 अपॉन 4 ये होना चाहिए बेसिकली। अब ये जो एंगल वाला सवाल है, द फिगर ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी सी ग्रेटर देन ए बी, बड़ा ही ख़तरनाक है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, x ग्रेटर देन 60, y लेस देन x, y ग्रेटर देन 60। देखो बच्चों इस डायग्राम में ये x है और ये y है। अब अगर ये जो साइड BC है ना, ये AB से बड़ी है, और पहले ही कह रहे हैं कि AB AC इक्वल है, तो इससे भी बड़ी है। अब देखो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, 50 भी हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा 59 हो सकते हैं, 59 इससे बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इन दोनों से बड़ा है। तो एक बात तो तय है कि ये वाला एंगल जो भी है ना एक्स, इसको क्या होना चाहिए, 60 से ग्रेटर होने चाहिए, क्योंकि ये साइड सबसे बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब है इनमें से कौन सा ऑप्शन लाजमी बात करेक्ट होगा, एक्स ग्रेटर दैन 60 स्टेटमेंट।